व्हाट्सअप गाइस, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ इसी टाइप की फोटो को एडिट करना सिखाने वाला हूँ। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं केवल लाइटरूम ऐप की मदद से। तो जो भी भाई इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेगा ना, वो भी कुछ इसी टाइप की फोटो एडिटिंग केवल लाइटरूम ऐप में कर लेगा। और 110% मैं लिख के देता हूँ ना कि वीडियो के लास्ट में आप भी सेम ऐसा फोटो एडिटिंग कर ही लेंगे। तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो के एंड में आपका भाई ना वन क्लिक में भी कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग आप लोगों को एडिट करना सिखा देगा। तो आप लोग जरूर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, अपनी गैलरी से ओरिजिनल फोटो को लेना होगा और लेने के बाद सिंपल से इसकी शेयर के आइकन पे क्लिक करके और इस वाली फोटो को हम लोग क्या करेंगे ना, लाइटरूम के अंदर शेयर कर देंगे। और मैं सीधे लाइटरूम ऐप को ओपन करता हूँ, वहाँ पे आपको सारी प्रोसेस बताता हूँ। तो व्हाट्सअप गाइस, जैसे ही आप लाइटरूम ऐप को ओपन कीजिएगा ना, तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा ना, ऑल फोटोज के आइकन पे क्लिक करके अपनी फोटो को सिलेक्ट करके ओपन कर लेना होगा। और ओपन जैसे ही आप फोटो को कीजिएगा ना, तो आपकी फोटो यहाँ पे ओपन हो जाएगी और साइड में आपको एडिटिंग के भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। और यहाँ पे मैं आप लोग को एक छोटी सी बात को बताना चाहता हूँ कि वीडियो को आप लोग कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो के एंड में आपका भाई ना क्लिक में भी एडिटिंग सिखा देगा। तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग साइड में ऐसे स्क्रॉल करेंगे और कर लेने के बाद इसकी डिटेल्स के आइकन पे हम लोग जाएंगे। और जाने के बाद सबसे पहले इसकी शार्पनिंग की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 35% कर लेंगे, मास्किंग की वैल्यू इंक्रीज करके 72% कर लेंगे, नॉइस रिडक्शन की वैल्यू इंक्रीज करके 23% कर लेंगे और नीचे आके इसकी कलर नॉइस रिडक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज करके 27% कर लेंगे और पूरा नीचे जाके इसकी स्मूथनेस की वैल्यू इंक्रीज करके 100% कर लेंगे। और ये सारी सेटिंग करते ही ना आपकी पूरी फोटो ना गाइस कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगा और आपका पहला स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस यही था हम लोग का पहला स्टेप। और सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे ना, सिंपल से ऐसा स्क्रॉल करके ऊपर आएंगे और आने के बाद इसकी लाइट वाले आइकन पे हम लोग चले जाएंगे और जाने के बाद इसकी कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 45% कर लेंगे, हाईलाइट की वैल्यू डिक्रीज करके -66 कर लेंगे, शैडो की वैल्यू थोड़ा सा डिक्रीज करके -13 कर लेंगे और इसकी व्हाइट्स की वैल्यू ऐसे डिक्रीज करके -36 कर देंगे, ब्लैक्स की वैल्यू ऐसे डिक्रीज करके -19% कर देंगे। देन दोस्तों ये सारी सेटिंग करते ही ना आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपका भाई बिल्कुल जेन्युइन जानकारी आप लोग के साथ शेयर करने वाला है। तो वीडियो को आप लोग कम्प्लीट देखिएगा और एंड में आप वन क्लिक में भी एडिटिंग कर लेंगे। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कलर्स के आइकन पे जाएंगे और जाने के बाद सबसे पहले इसकी टिंट की वैल्यू हम लोग ऐसे डिक्रीज करके ना -23% कर लेंगे, इसकी टेम्प की वैल्यू ऐसे इंक्रीज करके प्लस साइड में 45%, देन दोस्तों सिंपल से इसकी वाइब्रेंस की वैल्यू भी इंक्रीज करके ना प्लस साइड में 45% कर लेंगे। और ये सारी सेटिंग आप लोग को कर लेने के बाद कुछ भी नहीं करना होगा, ऊपर साइड में कोने में ना मिक्स टूल के आइकन पे क्लिक करना होगा और जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आप लोग के सामने यहाँ पे बहुत सारे कलर्स नजर आएंगे और काफी बार यही पे मिस्टेक कर देते हैं, इसीलिए वो फोटो को एडिट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ब्लू कलर को सिलेक्ट करेंगे, इसकी सैचुरेशन की वैल्यू डिक्रीज करके -100 कर देंगे, ह्यू की वैल्यू भी डिक्रीज करके -100 कर देंगे, इक्वा ब्लू कलर को सिलेक्ट करेंगे, इसकी भी ह्यू की वैल्यू डिक्रीज करके -100, सैचुरेशन की वैल्यू भी डिक्रीज करके -100 और सिंपल से हम लोग ग्रीन कलर को सिलेक्ट करके इसकी सैचुरेशन की वैल्यू डिक्रीज करके -100, ह्यू की वैल्यू भी डिक्रीज करके -100, ल्यूमिनस की वैल्यू भी डिक्रीज करके -23 कर लीजिएगा। और वीडियो को आप लोग इसकी मत कीजिएगा प्लीज, नहीं तो आप वीडियो को फोटो को एडिट नहीं कर पाएंगे। तो इसके बाद आप लोग को येलो कलर को सिलेक्ट करके इसकी सैचुरेशन की वैल्यू डिक्रीज करके -100 कर दीजिएगा और इसकी ह्यू की वैल्यू भी डिक्रीज करके -100 और इसकी ल्यूमिनस की वैल्यू भी ऐसे डिक्रीज करके -24 कर लीजिएगा। और सिंपल से आप लोग को ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करके सैचुरेशन की वैल्यू ऐसे डिक्रीज करके ना -62 करके इसकी ल्यूमिनस की वैल्यू इंक्रीज करके ना यहाँ से आप लोग 18% कर लीजिएगा। और यहाँ से आपको रेड कलर को सिलेक्ट करके सैचुरेशन की वैल्यू ऐसे इंक्रीज करके प्लस साइड में 48 करके और सिंपल आप डन क्लिक कर लीजिएगा। और डन क्लिक करते ही आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो गाइस अगर आप इतना सारा काम कर लिए ना, तो एक स्टेप और आप देख लीजिएगा, आपकी कंप्लीट फोटो एडिटिंग हो जाएगी और वन क्लिक में भी आप एडिटिंग कर लेंगे। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मिक्स टूल के बगल में ग्रेडिंग के आइकन पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोग के सामने बहुत सारे ऑप्शन नजर आएंगे, जैसे की शैडो, मिड
टोन, हाईलाइट और ग्लोबल। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, शेडो में आके और अपनी फिंगर से पकड़ के कुछ इस टाइप से घसीट के ना ब्लू साइड में कर देंगे और ऐसे थोड़ा सा कम ही से हम लोग करेंगे गाइज। और यहाँ पे मैंने इसकी यू की वैल्यू 220 रखा है और सिचुएशन को यहाँ पे 31%। और हम लोग आगे क्या करने वाले है ना, ऐसे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद इसकी ब्लेंडिंग की वैल्यू इंक्रीज करके ना हम लोग 100% कर देंगे। लिमिनेंस की वैल्यू ऐसे डिक्रीज करके ना -32 कर देंगे और इसकी बैलेंस की वैल्यू भी डिक्रीज करके -30 कर देंगे। और इसकी ब्लेंडिंग की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा कम ही रखेंगे। यहाँ पे मैं 69 रख लेता हूँ और क्या करूंगा ना, सिंपल से हाईलाइट वाले में आके और अपनी फिंगर से पकड़ के कुछ इस टाइप से इसे घसीट के मैं क्या करूंगा ना, एक को ब्लू साइड में कर दूंगा और इसकी ह्यू की वैल्यू 212 रखूंगा और सिचुएशन को यहाँ पे 60। और सिंपल से हम लोग यहाँ पे डन क्लिक कर देंगे और डन क्लिक करते ही हम लोग की पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। लेकिन गाइस अभी हम लोग के फोटो के अंदर स्काई में ना डार्क ब्लू टोन नहीं आया, उसको हम लोग 1 क्लिक में डालने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इफेक्ट के आइकन पे जाएंगे और इसकी टेक्सचर की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 12% कर लेंगे, इसकी क्लियरिटी की वैल्यू इंक्रीज करके 8% और इसकी विगनेट की वैल्यू हम लोग ऐसे कम कर लेंगे, कम करके 38% कर लेंगे। और ये सारी सेटिंग करते ही ना आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से एडिट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं स्काई में डार्क ब्लू टोन को ऐड करना, वो कैसे ऐड करना है, बहुत ही आसान है। आपको ऐसे स्क्रॉल करके ऊपर आना होगा और ऊपर आने के बाद मास्किंग के आइकन पे क्लिक करके प्लस के आइकन पे टैप कर दीजिएगा और ऐसे स्क्रॉल करके नीचे आइएगा, कलर रेंज के आइकन पे क्लिक करके और अपनी फिंगर से पकड़ के ऐसे स्काई में इसे कर दीजिएगा। और कर लेने के बाद इसकी रिफाइन की वैल्यू आप यहाँ से कम भी कर सकते हैं, मैं इतना ही रहने देता हूँ और सिंपल से मैं अप्लाई क्लिक कर देता हूँ। और अप्लाई कर लेने के बाद आपको कलर्स के आइकन पे जाना होगा और ऐसे स्क्रॉल करके नीचे के यहाँ पे कलर एच का एक ऑप्शन मिलेगा, तो इसे ऐसे पकड़ के आप ब्लू साइड में कर दीजिएगा। मैं भी यहाँ पे ब्लू साइड में कर देता हूँ और जहाँ पे मुझे अच्छा लगता है मैं कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं करके और सिंपल राइट क्लिक कर दूंगा और ये सारी सेटिंग करते ही ना आल्टू वाला की पूरी फोटो एडिट होके आ जाएगी, जो देखने में काफी ओसम एंड फारसी दिख रही है। तो इस फोटो को फुल एचडी में सेव करने के लिए शेयर के आइकन पे क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर दीजिएगा, आपका ये फोटो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं 1 क्लिक में फोटो को एडिट करना, तो मैंने इस वाली फोटो का प्रीसेट बना के ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो वहां से प्रीसेट को डाउनलोड करके आप 1 क्लिक में फोटो को एडिट कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।